हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं सूरज टिच बीसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला ही नहीं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बताने क्या वाला हूँ। तो एक वेबसाइट को मैंने ओपन किया, forwardsgenmusic.com इस तरह का बोलता है वेबसाइट। बहुत सारा वेबसाइट देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो उस वेबसाइट का नाम लेता है या फिर नाम के बदले कुछ और भी बोलता है, वेलकम या कुछ भी बोल सकता है। तो वो कैसे अपनी वेबसाइट में लगाए, बहुत सिंपल उपाय है लगाने का। तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको cPanel ओपन करना होता है। तो cPanel ओपन करने से पहले मैं आपको कुछ और बताया, तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे इसमें आप ऑडियो लगा। तो उसके लिए cPanel आपको ओपन करना है। दोस्तों मैं आपको बताया, तो अगर आपके पास ऑटो इंडेक्स है उसमें भी काम करता है, अगर आपके पास स्टैटिक स्क्रिप्ट है इंस्टॉल किया हुआ उसमें भी काम करता है। दोनों ही पर्सन में मैं आपको बताऊंगा दोनों में कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। और ये मोबाइल पे भी काम करता है, अगर मोबाइल का गूगल क्रोम है तो उसमें काम नहीं करेगा, या पफिंग ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें काम करेगा, यूसी ब्राउज़र एचडी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें काम करेगा। मोबाइल पे भी ये बोलता ही है और क्रोम ब्राउज़र में शायद नहीं बोलता है, तो आप चेक कर लीजिए। मैंने कहा कि देखा था कि बहुत सारे में काम करता था। अब पीसी पे तो यूज़ करते हैं, पीसी पे तो सब में करेगा, सब में ही होगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली फाइल मैनेजर को ओपन करना है अपना। तो forwardsgenmusic.com पे मैंने तो पहले से लगा के रखा है तो मैं उसे डिलीट कर लूँगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगा या फिर मैं दूसरा वेबसाइट में लगा के दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर एक लिंक होगा, तो आप लिंक ओपन करेंगे बिल्कुल आपको इस तरह का ओपन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यानी इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप लगाया जाता है अपना म्यूजिक वेबसाइट में, वॉइस ट्रैक कैसे सेट करें, तो आप यहाँ पे आके पोस्ट पढ़ सकते हो। मैं आप पोस्ट नहीं पढ़ने वाला हूँ, अपना आपको बताता हूँ कैसे इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करने का है, यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो सीख जाओगे कैसे लगाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक डाउनलोड कर लेता हूँ इसका एक जिप फाइल, यहाँ देखिए मैंने एक जिप फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप में या कहीं पे रख लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, forwardsgenmusic.com ये स्कैटिक स्क्रिप्ट है दोस्तों, मैं पहले स्कैटिक स्क्रिप्ट में बताता हूँ कैसे लगाना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना खोल लेना है cPanel, उसमें पब्लिक HTML को खोल लेना है सिंपली। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपको अपलोड कर देना है उस स्क्रिप्ट को जो आपने डाउनलोड किया था वहाँ से। तो मैंने यहाँ पे रखा था डेस्कटॉप पे, तो मैं अपना देख लेता हूँ डेस्कटॉप पे। तो मैंने अपना कोड को डाउनलोड करके रखा था डेस्कटॉप पे, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, वेलकम टू सूरज टिच बीसी ये वाला था जिप फाइल, मुझे इसे अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये अपलोड हो रहा है। ये अपलोड होने के बाद कुछ इस तरह का देखेगा दोस्तों, आप इसको क्या करना है आपको ट्रैक कर लेता है। मैंने यहाँ से पहले से डाउनलोड, ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रैक करके रखा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम, आपको इस तरह का फाइल भी बन जाएगा, इस तरह का रहेगा। आप इसे खोल लो, यहाँ पे आपको क्या करना है सिंपली इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे BBMM MP3 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई मिल यानी कि forwardsgenmusic.com होगा। तो आप इसे क्या करें, यहाँ से आप इसे कॉपी कर लें सिंपली, रीनेम करके यहाँ से कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें। अब इसे आप यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, ये देखिए मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ये स्केप ये डिलीट, मैंने इसे क्या किया डिलीट कर लिया। ठीक है फ्रेंड, मैं यहाँ पे खोलता हूँ एक और वेबसाइट, एक म्यूजिक बना लेता हूँ जो मेरे वेबसाइट पे बोला जाएगा। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है फ्रेंड, पॉडकास्ट पे मैंने बना लेता हूँ। आप चाहे तो मोबाइल पे कोई भी टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर को यूज करके आप अपना वॉइस बना सकते हैं जो आपको वेबसाइट में बुलाना है। मैं सिंपली इसे पॉडकास्ट इस तरह का बना लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना, आपको अच्छी तरह से बना लेना। मैं आपको एग्जांपल के लिए ये इंग्लिश में बोल रही है, कोई बात नहीं, मैं इसे ही डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए forwardsgenmusic.com, यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच मैंने यहाँ डाउनलोड कर लिया हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, जो मैंने वहाँ से सेव किया था यहाँ पे BMM MP3 उसे मैं यहाँ पे डाल दिया। देखिए BMM MP3 यहाँ पे मैंने डाल लिया। ठीक है फ्रेंड, अब उसको क्या करना है आपको, सिंपली
उसे आप अपलोड कर देना अपने स्क्रिप्ट के अंदर। तो स्क्रिप्ट के अंदर मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने अपलोड पे क्लिक किया, तो वहाँ से मैंने डिलीट कर दिया था किसी और का साउंड, मुझे इसे अपलोड कर लेता हूँ। तो मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ अभी। ये रहा मैंने अभी बनाया है इसे MP3। इसे क्या करना है तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आपको इसी प्रकार अपलोड कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे अपलोड पे डाउनलोड कर ले अभी। तो देखिए पहले वहाँ पे दोस्तों इस तरह का बनेगा तो आपको नई आवाज़ इसका सुनाई देगा। दोस्तों आपको क्या करना है, इसे फिर से रीनेम कर लेना है। यहाँ देखिए रीनेम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अच्छे से, इस MP3 को हटा लेता हूँ। ये देखिए छोटी MP3 इस तरह का लिखेंगे आप, इसे रीनेम फिर से करेंगे तो ये देखिए फिर से आप इसे डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरह का यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरह का नहीं आता है तो आप फिर से इसे MP3 यहाँ पे आप स्टेशन आपको डालना होगा, आप सिंपली इसे कर लें। और उसके बाद दूसरा स्टेप ये है जो मैं आपको बता देता हूँ, इसे ये करना है। फर्स्ट स्टेप ये है और दूसरा स्टेप इसमें क्या है, स्टैटिक स्क्रिप्ट में क्या करना है, आपको जाना है index.php पे। यहाँ पे index.php मैंने आ चुका हूँ। यहाँ पे एडिट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो index.simply यहाँ पे क्लिक करने के बाद उस वेबसाइट पे चले जाएं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये वाले कोड को यहाँ से आपको पूरी का पूरी सेलेक्ट करना है और कंट्रोल से इसे कॉपी करना है। ठीक है फ्रेंड, index.php को आपको क्या करना है, इसे आपको स्क्रिप्ट में डाल देना है। ये देखिए PHP यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कहीं भी इसे डाल देना है। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने डाल के रखा हूँ, यहाँ के कंट्रोल बी से मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। पहले से मैंने करके रखा तो मैं आपको स्टेप बाय बता दिया कि स्टैटिक में कैसे होती है और ऑटो इंडेक्स में कहाँ पे डाला जाता है। मैं कोड इस कोड को वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस जगह डालना PHP और यहाँ देखिए नीचे IF के ऊपर डालना है आपको, उसको आपको सिंपली से सेव करना है। सेव करने के बाद वेबसाइट पे आप लोड करोगे तो आपको वेबसाइट में फिर से सुनाई दे देगा। दोस्तों ये इस तरह का आपको लोड करना है, आपको इस तरह का सुनाई दे देगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ऑटो इंडेक्स के बारे में बता दूँगा, ऑटो इंडेक्स में आपको कहाँ पे डालना है उस कोड को। तो मैं ऑटो इंडेक्स वाली कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ, जैसे baliyamaza.com मैं यहाँ पे खोल लिया हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आपको baliyamaza.com जैसे मैंने यहाँ पे खोल लिया हूँ। उसके बाद ये देखिए नीचे आएंगे आप, यहाँ पे आपको index.php लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे हेडर है index.php। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको index.php इस जगह लिखा हुआ है, मैं आपको डॉट करके दिखा देता हूँ अभी, इस जगह index.php। तो आपको इसको एडिट करना है, मैं इसको भी एडिट करने के लिए आपको बता देता हूँ कहाँ पे एडिट करके उसको तो पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं इसे एडिट किया। ठीक है फ्रेंड, एडिट करने के बाद आपको कहाँ पे पेस्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट में पहले से लगा के रखा हूँ, ये देखिए इस जगह आपको पेस्ट करना है। PHP के बाद यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है, header.php, उस पर सिंपली से नीचे कर दें एक स्टेप, उस पर यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर दें। मैंने यहाँ पे कोड को पेस्ट करके रखा हूँ दोस्तों, तो उसको आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना, कमेंट करोगे मैं उसका जवाब 100% आपको दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।